परमात्मने नमः। हरये नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद् गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्लोक 16 17 एवं 18। श्लोक 16। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। श्लोक 17। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। श्लोक 18। यदा विनियतं चित्त मात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदा विनियतं चित्त मात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। श्लोक 16 एवं 17 का अर्थ। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। श्लोक 18। अर्थ। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है ऐसा कहा जाता है।